और इस बीच आपको बड़ी खबर इटावा से बता रहे हैं, जहां पर फिल्म का विरोध लगातार जारी है। गौ रक्षा समिति के अध्यक्ष मयंक बिधौलिया गिरफ्तार किए गए हैं। 8 हिंसक प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिल्म पद्मावत पर विरोध के नाम पर गुंडागर्दी का एक नया मामला सामने आया है। पुलिस पर पथराव हुआ है, कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया है। विरोध लगातार जारी है तो पद्मावत पर कहा जा सकता है कि चारों तरफ बवाल ही बवाल है, हंगामा मच गया है। हिंदू युवानी और गौरक्षक समिति का प्रदर्शन जारी है और अब पुलिस प्रशासन इस तरह इन तमाम चीजों को किस तरह से देखता है, इन स्थितियों से किस तरह से निपट पाता है, ये देखना होगा। प्रमोद हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद, क्या स्थिति बनी हुई है मौके पर? जानकारी का तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी दोनों ऑर्डर जारी स्थिति को लेकर के इटावा के जो गौ रक्षा दल है उनके अध्यक्ष के द्वारा एक 15 दिन पूर्व एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें की उन्होंने 25 तारीख को होने वाली पद्मावत गिरीश को लेकर के विरोध में आज उन्होंने 10 बजे से आग दाग करने की कोशिश की गई थी, उसी को लेकर के इटावा के प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के बावजूद सबसे बड़ी बात तो देखने को ये मिली है, जबकि एक ज्ञापन के दौरान उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था कि हम लोग 24 तारीख को फाना वाना जगह पर आत्मघात करेंगे। उसके बावजूद भी इटावा का प्रशासन ने उनको भरपूर पूरा उनको मौका देते हुए उनके साथ में जो आक्रोश हुआ है उसकी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इटावा प्रशासन ही स्वयं जिम्मेदार है। जी बिल्कुल प्रमोद, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है कि जो कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी है वो राज्य सरकारों का जिम्मा है, पुलिस प्रशासन अभी से देखते हुए किस तरह की रणनीति बना रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह से निपटा जाएगा। प्रमोद, अगर ऐसी कुछ स्थिति आने वाले समय पर देखने को मिलती है, क्योंकि फिल्म तो रिलीज हो जाएगी आज। इटावा की बात की जाए तो साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता जा रहा है। जिस तरीके से 10 बजे का अल्टीमेटम दिया गया था संगठन के द्वारा, उसके बावजूद भी वहाँ भीड़ 50 लोगों की इकट्ठी हो पाई थी, पर जिला प्रशासन की आंखों के सामने देखते देखते 3 घंटे के अंदर 200-350 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उसके बाद में उन्होंने हाथ मिला करने जैसी की कोशिश की, उसी के दौरान उनको मयंक बिधौलिया के अध्यक्ष जो है उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद प्रमोद, जो तस्वीरें आपने भेजी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं प्रमोद, उससे साफ जाहिर होता है कि भीड़ बेहद उग्र है, हिंसक है। किसी भी जो स्थिति है उस पर पुलिस किस तरह से नियंत्रण पाती है, ये देखना भी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है, अगर यही हिंसक रुक रहा भीड़ का तो। जी बिल्कुल, आपको राहुल जिस तरीके से मयंक बिधौलिया का साफ तौर पर कहना है, यदि इटावा जनपद में किसी भी चौकी के किसी भी सिनेमा हॉल में उस पिक्चर को रिलीज किया गया तो उसमें हम लोग सब इकट्ठे होकर के उसको छूट दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ प्रमोद। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो फिल्म के विरोध के नाम पर गुंडागर्दी की तस्वीर इटावा से सामने आई, हालांकि पुलिस का ये दावा है कि पुलिस ऐसे राजनीतिक तत्वों के खिलाफ निपटने को पूरी तरह से तैयार है। तो कहा जा सकता है कि फिल्म पद्मावत पर संग्राम जारी है। करणी सेना के जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह विरोध कर रहे हैं। बात अगर इटावा की जाए तो यहाँ पर हिंदू युवा वाहिनी का भी विरोध देखने को मिल रहा है। थिएटर्स के बाहर पुलिस बल तैनात की गई है। लोगों में किस तरह से गुस्सा है फिल्म को लेकर, विरोध लोगों का जारी है। यूपी के इटावा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हालांकि पुलिस प्रशासन इनसे निपटने का पूरा दावा कर रही है।